मेरे प्यारे संगीत एवं ध्यान प्रेमियों, आप सबों को स्वामी शांतिदेव का हार्दिक नमस्कार। मित्रों, आइए आज हम आपके लिए एक राग लेकर हाजिर हैं। राग है भोपाली। इस राग का थाट है कल्याण, जाति है औडव औडव, गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर, वादी स्वर ग एवं संवादी स्वर ध है। तो आइए थोड़ा सा इसका परिचय प्राप्त कर लें। नमन कर चतुर श्री गुरु चरण, नमन कर चतुर श्री गुरु चरण, तन मन निर्मल कर भव तरना, तन मन निर्मल कर भव गरे सारे ध सारे गरे ग, सा सा ध प गरे सारे ध सारे गरे ग, नमन कर चतुर श्री गुरु चरणा। आइए अब हम इसे हारमोनियम पर स्वर लिपि के साथ सिखाते हैं। मेरे प्यारे संगीत के प्रेमियों एवं शिष्यों, आइए अब हम आपको राग भोपाली का आरोह अवरोह पकड़ आलाप स्थाई अंतरा एवं तान स्वर लिपि के साथ हारमोनियम पर सिखा रहे हैं। राग भोपाली का परिचय हम आपको दे चुके हैं। ये थाट कल्याण से है और जाति इसका ऑर्डर ऑर्डर है। गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर है, वादी स्वर ग एवं संवादी ध है। आइए सबसे पहले इसका आरोह देखते हैं कि ये किस तरह से आरोह होता है और फिर अवरोह और फिर पकड़। सबसे पहले सारे गप धा प गरे सा, एक बार फिर सारे गप धा साधा प ग रे सा, पकर प ग रे ग सा रे ध सा प ग रे ग सा रे ध सा। आलाप देखें, पहले स्वर आलाप के देख लें। सा ग रे सा ध सा रे ग रे ग प ग धा प ग रे ग रे सा। अब इस पर आलाप कैसे करेंगे?
इस राग का अस्थाई सीखते हैं। अस्थाई है, नमन कर चतुर श्री गुरु चरणा। नमन कर चतुर श्री गुरु चरणा, नमन कर चतुर सा सा धा पा गरे सारे धा सारे गरे गा सा सा धा पा गरे सारे धा सारे गरे गा। इन्हीं स्वरों पर ये बज रहा है नमन कर चतुर श्री गुरु चरणा। अब दूसरी पंक्ति देखें कि वो कैसे है। तन मन निर्मल कर भाव तरना। अब इसके लिए स्वर है गा गा पा पा साधा सा 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 पा धा पा गरे सा कर भाव तरना। एक बार फिर तन मन निर्मल गा गा पा पा साधा सा सा कर भाव तरना सा पा धा पा गरे सा। और फिर नमन कर चतुर श्री गुरु चरणा सा सा धा पा गरे सारे धा सारे गरे ग। ये अस्थाई हो गया। अब आइए अंतरा देखते हैं इस राग का किस तरह है। जोई जोई ध्यावत शुभ फल पावत। जोई जोई ध्यावत शुभ फल पावत। अब ग ग प प साधा सा 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 सारे साधा सा जोई जोई ध्यावत शुभ फल पावत। ये हो गया क्लियर। अब दूसरा पंक्ति देखिए कैसे है अंतरा का। जन्म मरण दुख सब निस्तरणा। जन्म मरण दुख सा सा गरे सा सा पधा जन्म मरण दुख सा सा गरे सा सा पधा सब निस्तरना सब निस्तरना सा पधा प गरे सा सब निस तरना। अभी पूरी पंक्ति को एक साथ देख लें। जन्म मरण दुख सब निस तरना सा सा गरे सा सा पधा सा पधा प गरे सा 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 गरे सा सा पधा सा पधा प गरे सा। अब फिर से अस्थाई इसमें जुड़ जाएगा।
नामन कर चतुर श्री गुरु चरणा, नामन कर चतुर श्री गुरु चरणा। अब आपने इस राग भोपाली का अंतरा भी सीख लिया। अब आइए हम अभ्यास के लिए कुछ तान आपको दे रहे हैं, ऐसे आप इसके टेक्निक को अगर समझ जाएंगे कि तान कैसे गाते हैं, तो उसी के लिए मैं तीन तान दे रहा हूं कि कैसे हम तान गाएंगे। बाकी आप तान और भी अभ्यास करके गा सकते हैं। अभी मैं तीन तान दे रहा हूं इसका, अस्थाई की तीन ताने, जिसमें सबसे पहले आपको नमन कर चतुर ये आठ मात्रा तक कहना है और फिर आठ मात्रा का तान होगा। नमन कर चतुर तारे गा पा धा सा धा पा सा सा धा पा गरे सा सारे गा पा धा सा धा पा सा सा धा पा गरे सा। ये है पहला तान। आप कैसे करेंगे ये भी देखें। नमन कर चतुर आ नमन कर चतुर, ये दूसरा है तान। नमन कर चतुर सारे गरे गा पा धा पा सा सा धा पा गरे सा नमन कर चतुर। अब ये तीसरा तान देखें। पाधा सा पाधा सा पाधा सा सा धा पा घरे सा पाधा सा पाधा सा पाधा सा सा धा पा घरे सा नमन कर चतुर पाधा सा पाधा सा पाधा सा सा धा पा घरे सा। अब इसको आलाप में कैसे कहेंगे। नमन कर चतुर आ नमन कर चतुर श्री गुरु चरण नमन कर चतुर श्री गुरु चरण। अब इस तरह से तिहाई लेके हम राग को खत्म करते हैं, और तिहाई किस तरह से लेते हैं मैं बताता हूं। नमन कर चतुर नमन कर चतुर नमन कर चतुर श्री गुरु चरणा। तो इस तरह से ये राग भोपाली पूरा हुआ। अब हम आपके लिए और भी ऐसे ही सुंदर सुंदर राग लेकर, और इतना ही नहीं कि राग ही फिल्म सॉन्ग ट्यूटोरियल भी लाते हैं हम, गजल भी भजन भी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको हमारा यह ट्यूटोरियल पसंद आ रहा होगा। यदि आपको हमारे यह कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो आप इसे अपने मित्रों तक भी शेयर करें और उन्हें भी इसका लाभ उठाने का मौका दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको एक से एक कार्यक्रम, जो ट्यूटोरियल भी है जिससे आप कुछ सीख भी सकते हैं और मनोरंजक भी है, आप हमारे कार्यक्रम के साथ आनंद भी कर सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही। स्वामी शांति देव को विदा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।